क्लास इलेवेंथ कोड नंबर जीरो सिक्सटी फाइव इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस हैं ये सीबीएसई का ऑफिशियल करिकुलम है दो हजार सेशन के लिए जिसकी पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम जिसमें हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन जो बहुत बेसिक से लेकर के डीप लेवल तक लेकर जाएंगे हम इसे कंप्यूटिंग डिवाइस क्या कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर की मेमोरी प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी सॉफ्टवेयर के purposes, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं इन सब के बारे में हम सीखने वाले हैं और इसके लिए हम यूज करेंगे एनसीआर की इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस टू थाउजेंड की ऑफिशियल जो एनसीआरटी की वेबसाइट पर अवेलेबल बुक है सामने जो आपको नजर आ रहा है चैप्टर वन कंप्यूटर सिस्टम ये इलेवंथ क्लास की आईपी की बुक है जो एनसीआर की वेबसाइट पर अवेलेबल है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी

एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम इन सबके साथ जो कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है मिलाकर के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है और जितने भी कॉम्पोनेट्स हैं फंक्शनैलिटी है वो आईपीयू साइकिल पर बेस्ड होती है ये आपका कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम है जिसे हम ब्लॉग डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं जिसमें आप कुछ इनपुट डालते हैं वो इनपुट आपका प्राइमरी मेमोरी पर जाता है

जैसे आपने यहां से कीबोर्ड से कोई पी, की प्रेस की और उस की पे आपने लिखा आर ए एम राम तो वो राम आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा है इट मीन आपकी, आपकी आउटपुट डिवाइस पर भी कंटेंट जा रहा है आपने इनपुट भेजा वो प्राइमरी मेमोरी पर गया कंट्रोल यूनिट ने उसको डिसाइड किया कि आपकी इंस्ट्रक्शंस क्या थी देन आउटपुट डिवाइस पर उसने उसको आउट कर दिया सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरे इस कॉन्सेप्ट को जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज को छोड़ दें तो प्राइमरी मेमोरी कंट्रोल यूनिट और अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट इनको मिलाकर के पूरा कॉन्सेप्ट है आपका सीपीयू का इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड इज यूजली रेफर टू अ कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर ऑल्सो इसे कई बार हम जनरली प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं फिजिकली कैन बी प्लेस्ड इन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज कंप्राइज सेमी कंडक्टर मेटेरियल द सीपी इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रो प्रोग्राम द सीपी यू दैन फैच इज द प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एज पर द गिवन इंस्ट जो बात अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि सीपी यू आपकी जो है वो सर्किटरी बोर्ड्स की चिप्स हैं मल्टी लेवल चिप्स हैं अब आईसी से भी ज्यादा बढ़कर के वी एल एस आई सी आ गई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए और वो क्या करते हैं आपके डेटा को इनपुट लेते हैं मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है देन डिसाइड करते हैं कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिए और अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी वाइल्ड प्रोसेसिंग द सीपीयू स्टोर द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन इट्स लोकल मेमोरी जनरली वो अपना सारा डेटा लोकल मेमोरी में रजिस्टर करता है जिसे हम रजिस्टर्स रजिस्टर्स कहते हैं आर पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर डिफरेंट रजिस्टर्स आर फॉर स्टोरिंग डेटा इंस्ट्रक्शन इंटरमीडिएट रिजल्ट अदर देन द रजिस्टर्स द सीपीयू हैज टू मेन कॉम्पोनेंट ए एल यू एंड सी यू अब रजिस्टर्स के अलावा सीपीयू के दो और मेन कॉम्पोनेट्स आ गए ए एल यू और सी यू ए एल यू परफॉर्म ऑल द अर्थमैटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन जितने भी आपके लॉजिकल या कैलकुलेटेड जो भी ऑपरेशन है वो सारे एएलू में सॉल्व हो जाते हैं सी यू कंट्रोल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शनल तो सी यू आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उनको कंट्रोल करता है उनको इंटरप्रेट करता है समझता है और आपके डेटा को किस तरीके से एक्शन लेना है वो डिसाइड करता है एएल यू एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सीपीयू इज आल्सो डिवाइस सीपीज ऑल्सो पॉपुलरलीस तो सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं प्रोसेसर भी कहते हैं नेक्स्ट है आपका इनपुट डिवाइस तो ये बहुत सिंपल है कि जो भी आपके कंप्यूटर पर डेटा पहुंचाती है जिनसे कंप्यूटर डेटा एक्सेप्ट करता है दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस की बोर्ड है माउस है स्कैनर है टच स्क्रीन है एक्सेट्रा थिंग्स है इसी तरीके से जिन डिवाइस से आपके कंप्यूटर से डेटा बाहर आता है तो वो आपकी आउटपुट डिवाइसेज हैं। जिसमें आपका मॉनिटर आ गया स्पीकर आ गया प्रिंटर आ गया थ्री प्रिंटर आ गया मॉनिटर में आपको विजुअलाइजेशन में आउटपुट मिलता है स्पीकर में आपको ऑडियो की फॉर्म में आउटपुट मिलता है प्रिंट आउट में आप सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी जनरेट कर लेते हैं और थ्री प्रिंटर से आप कोई छोटा मॉडल बना लेते हैं थ्री मॉडल बना लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में बात करें तो फ्रॉम द सिंपल कैलकुलेटर टू अ मॉडर्न डे पावरफुल डेटा प्रोसेसर इसकी एक हिस्ट्री क्या हुई एक छोटे कैलकुलेटर से लेकर के एक पावरफुल डेटा प्रोसेसर के साथ तक की कंप्यूटिंग रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इज शोन ये वन में एक फिगर पूरी लाइन दी है जिसमें कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे 500 हंड्रेड में एबेक एसटीन फोर्टी टू में आपका पासक्लाइन एटीन थर्टी फोर में आपका एनालिटिकल इंजन जैसे हम चार्ल्स बैबेज का सबसे बड़ी एक मशीन मानते हैं उसके बाद का आपका टेबलेटिंग मशीन आई एटीन नाइनटीज में नाइनटीन थर्टी सेवन में आपका टीरिंग मशीन आ गई उसके बाद 1945 में एडवैक एनएक e -E आ गया जॉन वॉन न्यूमेन इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम तो फिर एडवैक है एडवैक के साथ एनईक e -E है उसके बाद 1947 में ट्रांजिस्टर्स आए जैसे हम कहते हैं कि जब हम कंप्यूटर की शुरुआत बताते हैं ट्रांजिस्टर फिर आपकी वैक्यूम ट्यूब्स उसके वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले आई फिर ट्रांजिस्टर आ गए उसके बाद आईसी आ गई आईसी के बाद में फिर वीएलएस सी आ गई फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स 9070 तो 9070 के आसपास जाकर के पहला प्रोसेसर डेवलप हुआ क्योंकि जब से आईसी आई तभी वो चिप बनी और तब से हम उसे प्रोसेसर कहने लगे एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ सिलिकॉन चिप विथ कंटेन्स एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ कंप्यूटर थे, और फिर और भी छोटा कर दिया तो आईसी आ गई जो आपके कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने लगी ये एक हिस्ट्री चार्ट है टाइम है जो शो करती है हमारे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के बारे में एक फिगर यहां पर दी हुई है एक्सपोनेशियल इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज इन आईसी ओवर टाइम एक आईसी में कितने ट्रांजिस्टर्स यूज हो सकते हैं उसका यह ग्राफ दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको नजर आ रहे हैं वन टेन हंड्रेड ये आपके ट्रांजिस्टर्स के काउंट है। और उसके बाद में राइट हैंड साइड पर जो आपको नजर आ रहे हैं वो के काउंट है तो उन्नीस से लेकर के दो हजार अरब इतनी संख्या में जो आपके ट्रांजिस्टर्स हैं वो कोर आई सेवन प्रोसेसर के अंदर आ जाते हैं जो अभी लेटेस्ट में हम तो कोर आई टेन पे भी जाते हैं आई टेन प्रोसेसर भी आप मार्केट में अवेलेबल हो गया है तो आप ये समझ सकते हैं कि जितनी ज्यादा इसकी प्रोसेसर्स धीरे धीरे बढ़ते चले गए उतने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स की संख्या उसमें कवर होती चली गई नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एक आईसी में कितने ट्रांजिस्टर्स आ सकते हैं उस लेवल को देखते हुए आपके ट्रांजिस्टर्स बढ़े तो काम करने की फंक्शनैलिटी बढ़ गई और चिप जितनी छोटी थी उससे ज्यादा पावरफुल हो गई वो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर्स इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर्स एंड ओनली कमांड लाइन इंटरफेस लाइक यूनिक्स और डॉस अराउंड नाइनटीन नाइनटीज द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वैब नाइनटीन नाइनटीज के आसपास जाकर के डब्ल्यू 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 का आविष्कार हो गया फर्दर एक्सलरेटेड मास यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड देयर आफ्टर कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इन डिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ और आज तो हम देखते हैं कि बिना कंप्यूटर के कुछ काम हो ही नहीं रहा है अभी लॉकडाउन का टाइम भी चल रहा है तो बिना आईटी के बिना मोबाइल फोन के एंड्रॉइड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है आईओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है लेनेक्स है, है जितना भी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज है यूज हुए हैं फर्दर विद इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटिंग वॉज मेड पोर्टेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंड और फिर जैसे कंप्यूटर सिस्टम थे उसके बाद में लैपटॉप आ गए आपके टैबलेट्स आ गए तो इन्होंने क्या किया और ज्यादा

इस मेमोरी को जो हमारी बाइनरी डिजिट है फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स अ अ बिट वर्ड इज कॉल्ड तो ये जो आप चार्ट यहां पर देख रहे हैं यूनिट और उस यूनिट की डिस्क्रिप्शन तो सबसे पहले हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जो आपकी सबसे छोटी यूनिट है वो बिट है चार बिट को मिलाकर के एक नेबल बना और इसी तरीके से एट बिट को मिलाकर के एक बाइट बनी यहां पर जो यूनिट शुरू हुई है वो केबी से शुरू हुई है तो पहले हम समझते हैं अ अब बिट वर्ड इज कॉल्ड निबल चार बिट से जो भी वर्ड बना वो एक निबल बन गया और जैसे वन डबल जीरो जीरो वन 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 जीरो वन जीरो तो सब क्या है ये निबल्स टू निबल वर्ड्स यानी कि जिसमें एट बिट आ गई चार बिट चार बिट तो एट बिट इक्वल्स टू वन बाइट अब ये डेफिनेशंस हमें माइंड में सेट रख लेनी चाहिए कि सबसे छोटी यूनिट बिट है चार बिट का एक नेबल बनता है आठ बिट की एक बाइट बनती है और उसके बाद कॉन्सेप्ट शुरू होता है आपकी वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट ये कॉन्टिन्यूसली इसी ऑर्डर में आगे बढ़ता है सबसे पहले बिट बिट के बाद में बाइट बाइट के बाद में आपके किलो बाइट फिर मेगा बाइट वन किलो बाइट इक्वल टू वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट एंड वन मेगा बाइट इक्वल टू तो वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर किलो बाइटी बाइट इक्वल टू तो वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर मेगा बाइट चौबीस 1024 1024 किलो बाइट मिलाकर एक मेगा बाइट बन गए और उसके बाद में एक हजार चौबीस एमबी से एक जीबी एक हजार चौबीस जीबी से एक टीबी टीबी से आगे आए तो 1024 एक हजार चौबीस टीबी मिलकर एकट बन गया एक एक वन ई बी बना एक्साबाइट देन जेटाबाइट और फिर योटाबाइट तो काफी आगे तक भी हम मेमोरी यूनिट्स को आगे स्टडी कर सकते हैं लेकिन एक छोटे मेजरमेंट से लेकर के एक योटाबाइट तक का जो कॉन्सेप्ट है यहां आपको बुक में डिस्प्ले किया हुआ है तो सबसे पहले जो हमें माइंड में बस एक शार्पनेस दिमाग में रखना कि के बी के बाद में ही यानी कि बाइट जो आपकी शुरू होती है वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका वन किलो से शुरू होता है उससे पहले क्या है बिट बिट के बाद में बाइट है बिट और बाइट के बीच में निबल है यानी चार बिट का एक निबल हो जाता है और जब वो टू निबल हो जाते हैं तो वो एट बाइट बन जाते हैं सबसे पहले बिट बिट के बाद में चार बिट का एक निबल बन गया और आठ बिट की एक बाइट बन गई